ओम जय यमुना माता हरि ओम जय यमुना माता जय यमुना माता मैया जय यमुना माता जो माता तुम्हारा बड़ा मातम चारों वेद कहे मैया चारों वेद कहे तान तुम्हारे माता चारों वेद कहे ओम जय यमुना माता आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो मैया प्रभु अवतार लियो निर्वल जल पी कर निर्वल जल पी त्योकांक्षी तीन योजना भारत की जनता को समर्पित की थी। नमामि गंगे स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमामि गंगे अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नदियों में काफ़ी स्वच्छता अभियान चला और हम सब ने जहाँ पर भी हैं सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने विधायक और सांसदों ने मिलकर इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया है और हम सब की इच्छा है कि हमारी नदियाँ हमारी धार्मिक भावना गंगा अविरल हों निर्मल हों और हमारी धार्मिक भावना की पूर्ति करें। गंगा हमारी इष्टा है हमारी आराध्या है। करोड़ों लोगों की जीविका का उपार्जन गंगा नदी के किनारे होता है और गंगा तो हमारी आस्था का केंद्र है इसलिए गंगा और यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए। और आज गंगा माँ यमुना की आरती करके इटावा वासियों के साथ हम सब ने दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर यहाँ पर दीपावली मनाई और हम सब उत्तर प्रदेश वासियों को और इटावा जनपद वासियों को यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ। ये हमारी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया उसके बाद ये हुआ कि नदियों के प्रति आम जनमानस को जोड़ने के लिए वर्ष 2017 में गंगा उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है और आज ये जो हम 4 नवंबर को ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था तो इस वजह से 4 नवंबर के पास ही गंगा उत्सव 3 दिन का आयोजित किया जाता रहा लेकिन चूंकि 4 को यहाँ अब की बार दीपावली थी तो इसलिए 1 से 3 तक रखा गया है। उसी के अंतर आज ये दीपोत्सव और आरती कार्यक्रम का आयोजन यमुना किनारे पर किया जा रहा है। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? इसमें हमारे जो इटावा शहर की सदर विधायिका जी हैं श्रीमती सरिता भदौरिया जी और जिला स्तर के कई सारे अधिकारी लोग और वन विभाग का पूरा स्टाफ वो सब लोग इसमें शामिल हुए और काफ़ी सारे लोग जो आसपास यहाँ निवास करते हैं वो लोग भी आज इस आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहाँ जो दीप जलाए गए हैं इससे जनता को किस तरीके का संदेश देंगे आप लोग?
हम सभी का ये दायित्व बनता है कि अपनी नदियों के प्रति जैसे पहले लोग समर्पित थे उसी प्रकार से उसके संरक्षण के प्रति समर्पित हों, उनके जीव जंतुओं का संरक्षण करें, और ये नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, तो इनके लिए हम सबको सतत प्रयास करने होंगे। ये प्रदेश में गंगा उत्सव के नाम से 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गंगा व उसकी सहायक नदियों में। चूँकि यमुना एक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, तो यहाँ पे भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जिले की बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और आज ये यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम है, यहाँ यमुना आरती का आयोजन किया गया। यहाँ की माननीय विधायिका जी भी इस कार्यक्रम में मेन मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इस कार्यक्रम में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।